गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसमें लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई लिंक लिस्ट है या हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है और सारे एलिमेंट पे अगर हमें कोई प्रोसेस करना है तो उसका हमारा तरीका क्या होता है। आज हम कुछ और डिटेल में कुछ और प्रॉब्लम के थ्रू उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई लिंक लिस्ट हमारे पास है और हमें उसके लास्ट नोड पर जो डेटा है उस पर कोई प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जब इसके लिए प्रॉब्लम दिया जाता है तो प्रॉब्लम लिख लीजिए किस तरह से इसको होगा कि राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट इंफॉर्मेशन एट द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। पहले मैं एल्गो लिखता हूं फिर इसको आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। ये छोटा सा एल्गोरिथम है टू प्रिंट इंफॉर्मेशन एट द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। अब ये कैसे वर्क कर रहा है इसको समझने के लिए हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम खींच लें लिंक लिस्ट का। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे विजुलाइज करते हैं लिंक लिस्ट को मेमोरी के अंदर। इनफैक्ट मेमोरी के अंदर तो डेटा स्टोर होगा वो बिल्कुल एक अलग तरीका होता है, लेकिन उसको विजुलाइज करने का और प्रोग्राम के थ्रू जब हमें इम्प्लीमेंट करना होता है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बनता है उसको समझने के लिए हम इस तरह से डायग्राम दिखा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको कंसिडर भी किया था। अब यहाँ पे जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि फर्स्ट जो है सिंपली एक वेरिएबल है और जिसका केवल ये रोल है कि जो लिंक लिस्ट हमारी है उसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है। इट गिव एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। जो लिंक लिस्ट हमारी उसके पहले नोड का एड्रेस ये देता है और जब हम पहले नोड पर पहुंच जाते हैं तो फिर हमें अगले नोड का एड्रेस मिल सकता है। कैसे मिल जाता है वो आपको बताया गया था कि हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है, एक इन्फो और दूसरा लिंक। इन्फो से क्या मिलता है, अगर पीटीआर में एड्रेस है तो इन्फॉर्मेशन एट द लोकेशन पीटीआर, और लिंक से क्या मिलता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक टू द पीटीआर। तो अब हम लोग जो हमारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारा क्या है, वी हैव टू प्रिंट द इन्फॉर्मेशन एट दिस नोड। लास्ट नोड यही है। कैसे पता चला कि ये लास्ट नोड है, तो जिस भी नोड का लिंक एड्रेस नल होगा इसका मतलब क्या हुआ कि उस नोड के आगे कोई नोड नहीं है। यही एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि ये लास्ट नोड है। तो अब हम यहां से चलेंगे और चलने का हमारे पास तरीका क्या है, हमें केवल एक चीज मालूम होता है जो कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस केवल मालूम होता है और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच गए और फर्स्ट एलिमेंट से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास केवल एक तरीका है कि हम एक एक नोड जंप करेंगे। तो फर्स्ट से हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ से फिफ्थ पे जाएंगे, लेकिन हमारा लास्ट नोड हमें मिल गया ये हमको कैसे पता चलेगा। कल जो हम लोगों ने एल्गो देखा था, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, वो पीछे आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें दो प्रॉब्लम हम लोगों ने कंसीडर किया था, लेकिन वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी कि लास्ट नोड। वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें ये देखना था कि लिंक लिस्ट में जितने भी नोड हैं वो सारे एक्सेस हो गए कि नहीं। तो वहां पे जो कंडीशन हम लोग दे रहे थे वहां पे लिंक पीटीआर नल लिख के हम लोग क्या लिख रहे थे, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। क्यों लिख रहे थे वो लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम लिंक पीटीआर लिख रहे हैं, इसका कुछ मतलब है, ये जो लिंक पीटीआर लिखा गया है इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है जो लिखा गया है। तो
आपको यह पता चल गया कि जो भी नोड का लिंक एड्रेस नल होगा दैट इज कॉल्ड लास्ट नोड. और अगर इस नोड का एड्रेस पीटीआर है तो इस नोड का लिंक एड्रेस क्या कहा जाएगा? लिंक पीटीआर कहा जाएगा. और यह लिंक पीटीआर अगर नल के बराबर हो गया इट मींस इट इज लास्ट नोड आवर लिंक लिस्ट. ठीक है, ये हमारे लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, हमें यही करना है. तो फिर शुरुआत कैसे होगा? प्रोसीड हम करेंगे पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट. पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस को हमने पीटीआर वेरिएबल में स्टोर कर दिया. अब जब फर्स्ट नोड के एड्रेस को पीटीआर में स्टोर कर दिया इसका मतलब हमारा पॉइंटर अभी कहां पे पहुंचा हुआ है? यहां पे. ये पीटीआर इसको रेफर कर रहा है फर्स्ट नोड को. और फिर से लूप में हमने कंडीशन दिया, अभी कंडीशन छोड़ दें, पहले हम यहां पे आए. यहां क्या लिखा हुआ है? पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर. तो अगर ये पीटीआर फर्स्ट एलिमेंट को रेफर कर रहा है तो लिंक पीटीआर किसको रेफर करेगा? सेकंड एलिमेंट को. और हम क्या लिख रहे हैं? पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, इट मींस वी आर ट्रांसफरिंग द एड्रेस ऑफ सेकंड ब्लॉक टू फर्स्ट ब्लॉक. तो क्या हो जाएगा? पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर से पीटीआर में किसका एड्रेस आ जाएगा? सेकंड का. वापस जाएंगे लूप के अंदर, फिर से एंट्री तभी होगी जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए. ठीक है, तो लिंक पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तो ये पीटीआर है तो लिंक पीटीआर में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है? थर्ड एलिमेंट का. और थर्ड एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब उसका एड्रेस नल नहीं है. इन दैट केस लूप में एंट्री हो जाएगी, फिर क्या होगा? पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर. अब पीटीआर में कौन सा एड्रेस आ जाएगा? एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट, क्योंकि पीटीआर में सेकंड एलिमेंट का एड्रेस था. और जब हमने पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर कहा तो एग्जैक्टली सेकंड एलिमेंट का एड्रेस पीटीआर में था, तो लिंक पीटीआर किसको रेफर कर रहा था? थर्ड एलिमेंट या नेक्स्ट एलिमेंट इसका जो भी है उसको रेफर कर रहा था. वो एड्रेस किस में आ गया? पीटीआर में आ गया. तो पीटीआर किसको रेफर कर रहा है? थर्ड एलिमेंट को रेफर कर रहा है. फिर वापस गए, लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हुई. क्यों सेटिस्फाई हुई? क्योंकि पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर जब हम कर रहे हैं तो पीटीआर में अगर थर्ड एलिमेंट का एड्रेस है तो लिंक पीटीआर विल रेफर एड्रेस ऑफ फोर्थ एलिमेंट, और फोर्थ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये नल नहीं है. तो फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर होगा, तो अब पीटीआर में किसका एड्रेस आ जाएगा? फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा. वापस फिर जाएंगे कंडीशन चेक करने, फिर कंडीशन क्या चेक करने कि लिंक पीटीआर नल है कि नहीं. तो अब पीटीआर में किसका एड्रेस है? फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस है. और फोर्थ एलिमेंट का लिंक एड्रेस है जिसे हम लिंक पीटीआर से रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है? नल है. मतलब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा लास्ट एलिमेंट है. और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हम लूप से बाहर हो जाएंगे. कंडीशन फेल हुआ, लूप से बाहर हो गए. तो जिस समय हम लूप से बाहर हो रहे हैं उस समय हमारे पास स्टेटस क्या है? पीटीआर वेरिएबल जो है उसमें एड्रेस ऑफ फोर्थ एलिमेंट या एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट है. और लिंक पीटीआर जो वेरिएबल है एग्जैक्टली ये पॉइंटर वेरिएबल है. जब आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे सी या और लैंग्वेज में तो इसको पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं. तो इस पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो किसका पड़ा हुआ है? इसके नेक्स्ट एलिमेंट का. और नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब लिंक पीटीआर में भी क्या है? नल है. कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लूप से बाहर हुए. अब हमें करना क्या था? टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन एट द लास्ट नोड. और इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगा? फ्रॉम द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड, एंड द लास्ट नोड का एड्रेस इज पीटीआर. सो वी हैव टू प्रिंट इन्फो पीटीआर. यह क्या करेगा? लास्ट नोड पे जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रिंट कर देगा. बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से एक एल्गो हमने लिखा जिसमें लास्ट एलिमेंट के इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देना. सपोज करो आपको यह कहा गया रहा था कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को प्रिंट करो, तो आपको फर्स्ट नोड को एड्रेस को प्रिंट करना है तो इस लूप को चलाने की जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि आपने पीटीआर इज इक्वल टू फर्स्ट लिखा, इट मींस पीटीआर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. उसके बाद आप अगर ये लिख देते प्रिंट इनफो पीटीआर, इसका मतलब क्या हो जाता? फर्स्ट नोड का एड्रेस. तो इसीलिए फर्स्ट नोड का हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. और एग्जैक्टली जहां पे कुछ करने को हो उसी एल्गो को आप लोग डिस्कस करेंगे. तो ये लास्ट नोड के लिए. इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हमको करना क्या है कि ये जो लास्ट नोड है इसको उठा के इसके बिगिनिंग में जोड़ देना है. बिल्कुल ट्रेन के डब्बे की तरह ही है. ठीक है, ट्रेन आई एक डायरेक्शन से, यहां से चलते हुए यहां तक आई, ये डेड एंड है. इसके बाद फिर इसको बैक होना है. ठीक है, तो जो इंजन है वो आगे जाना है. तो अब इंजन आगे जाना मतलब इसको कट करके आपको कहां भेजना है? यहां भेजना है. तो ठीक इसी तरह से अगर लास्ट डब्बे को कट करके हमें बिगनिंग में भेजना है तो कैसे करेंगे? तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कई चीजें आपको और समझ में आएगी. पहले इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करिए, फिर हम लोग एल्गो लिखेंगे.
लिंक्ड लिस्ट को अगर कंसेप्चुअली आप समझ लीजिए, उसका एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन उसको समझ लीजिए, तो फिर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ICSE के जो बच्चे हैं 12th में, उनके कोर्स में ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, और उनका एल्गोरिथम भी है और इम्प्लीमेंटेशन भी है। एल्गो उनको जो लिखाया जाता है वो एग्जैक्टली थोड़ा सा इससे डिफरेंस कर दिया जाता है, उसमें कुछ जावा की स्टेटमेंट्स को यूज करके आप लिखते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से एल्गोरिथम लिखना समझ गए तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत आसान होगा। तो पहले आप इस तरह से इसको समझने की कोशिश करिए, बाद में लेटर ऑन हम लोग जैसे आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से बताएंगे। और बाकी जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग के हैं, BCA के बच्चे हैं, जो इस तरह के कोर्सेज करते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, उनके कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें लिंक लिस्ट इस तरह से ही पढ़ाया जाता है, और बाद में उसको C या C++ में इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो कुल मिला के ये हो गया कि लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन आपको जिस लैंग्वेज में करना है वो आपके कोर्स है, आगे हम लोग देखते रहेंगे जो चीज हो सका संभव वो डाला जाएगा, लेकिन ये जो चीज है ये सबको जानना चाहिए और सबको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जिसको हम लोग कंसीडर करें। अब जो हम लोग का प्रॉब्लम था वो क्या था कि लास्ट नोड को डिलीट करके फर्स्ट में जोड़ना। तो सपोज करो ये हमारी लिंक लिस्ट है, अब आपको करना क्या है, सपोज करो इस पे ए इंफॉर्मेशन स्टोर है, इस पे बी, इस पे सी, इस पे डी। अब आपको इस नोड को डिलीट करके इसके पहले जोड़ना है, मतलब जो बाद में आपका लिंक लिस्ट रहेगा वो कैसे रहना चाहिए, फर्स्ट डी ए बी एंड सी, ये चीजें होनी चाहिए। आप लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हो तो जैसे ही इसको डिलीट कर रहे हो तो इस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड कौन बन जाएगा, सी, और जब ये लास्ट नोड बन जाएगा तो इसका लिंक एड्रेस क्या होगा, नल। वो आपको दिखाई दे रहा है, इस नोड को उठा के इसके पहले जोड़ना है, इसके पहले जोड़ना इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले जोड़ दोगे, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, ये लिस्ट का पार्ट नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी फर्स्ट वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सपोज करो कि इसमें उसकी वैल्यू रखी रहती तो ये क्या रखा रहता, ए। अब जब ए के पहले डी आ गया तो फर्स्ट वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। तो जब भी फर्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो उसे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या मिल रहा था, ए, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या मिल रहा था, डी। अब एक बहुत जरूरी चीज है वो समझ लो कि हमने कहा कि इस ब्लॉक को उठा के इसके पहले जोड़ना है, और यहां पे आपको फिजिकली दिखाई भी दे रहा है कि ब्लॉक यहां से उठ के यहां जुड़ गया, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्या ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक है क्या, मेमोरी ब्लॉक है, ये फिजिकली उठ के इसके पहले आके जुड़ जाता है क्या, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि आप एक कॉलोनी में रहते हो, एक्स वाई, आप एक्स हो और ये वाई आपका पड़ोसी है, आप दूसरे कॉलोनी में चले गए, यहां पे कोई जेड रहता है और इसके पड़ोसी आप हो गए, तो एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ, ये एक्स जिस मकान में आप रहते थे, जिस फ्लैट में रहते थे, ये यहीं पड़ा हुआ है, और यहां पे आके किसी दूसरे फ्लैट में आप रहने लगे तो ये फ्लैट दूसरा है, मतलब ये फ्लैट यहां से उठ के यहां नहीं जाएगा, केवल क्या जाएगा, रेफरेंस जाएगा, आपका पड़ोसी अभी यहां पे वाई था, अब आपका पड़ोसी कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तो केवल रेफरेंस बदलेगा। ठीक इसी तरह से यहां पे ये मेमोरी ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होता है, केवल एड्रेस रेफरेंस चेंज होता है, एड्रेस रेफरेंस चेंज होना, जो अगर आप इस चीज को देखते तो ये क्लियर हो जाता कि फर्स्ट वेरिएबल में एक एड्रेस पड़ा था, वो एड्रेस क्या पड़ा था, ए। तो जैसे ही फर्स्ट को आपने देखा आपको पता चल गया ए, एक लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा था, बी का, बी के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा था, सी का, सी के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा था, डी का, डी के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा था, नल पड़ा था, मतलब आगे कोई एलिमेंट नहीं है। जब ये आप चेंज किए तो केवल जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, फर्स्ट वेरिएबल जो है उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, डी, डी के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ए, ए के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, बी, बी के लिंक पार्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, सी, और सी का लिंक एड्रेस नल। इसका मतलब जो आप कह रहे थे वो चीज हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो और क्लियर हो जाएगा, ये फर्स्ट है ए, बी, सी, डी, ये तो हमारी पहले लिंक लिस्ट थी और इसके आगे नल था। अभी क्या हो जाएगा,
केवल ये ब्रेक हो जाएगा, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो ब्लॉक थे वो फिजिकली मूव नहीं हुए, जैसे यहां पे अगर ये लग रहा हो कि ये फिजिकली मूव हुआ है तो यहां पर हमने फिजिकली मूव नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट वेरिएबल में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, डी। तो जैसे ही आप जो लिंक लिस्ट आपकी है उसको एक्सेस करना चाहोगे तो आप फर्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो ये क्या बताएगा कि पहला एलिमेंट कहां पड़ा हुआ है, वो मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, यहां पड़ा हुआ है। इस ब्लॉक से आपको क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या मिला, ए। ए से एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला, बी। बी से एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला, सी। और सी का नेक्स्ट एड्रेस क्या, नल। तो जो चीज यहां है वो चीज यहां हो जा रही है, और इसमें अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ब्लॉक्स को फिजिकली मूव नहीं किया है, तो जो थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था वो भी आपका दूर हो जाना चाहिए। गॉट इट। अब हम लोग इसके लिए एल्गो लिखेंगे कि कैसे इसको प्रोसीड करें। अब लास्ट एलिमेंट को डिटैच करना है आपको इससे। तो लास्ट एलिमेंट को डिटैच जब कर रहे थे डायग्राम में आपने देखा था तो उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जा रहा था, लिंक एड्रेस नल हो जा रहा था। लेकिन लिंक लिस्ट के साथ एक समस्या है कि मूवमेंट इसमें फॉरवर्ड होता है, मतलब पहले नोट से दूसरे का एड्रेस मिल जाता है, दूसरे नोट से तीसरे का मिल जाता है, तीसरे से चौथे का मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि चौथे से तीसरे का मिल जाए। इनफैक्ट जब हम लोग ये बार बार लिंक लिस्ट कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली सिंगल लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है, और सिंगल लिंक लिस्ट में वन वे मूवमेंट होता है। अगर डबल लिंक लिस्ट रहता जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो डबल लिंक लिस्ट में दो एड्रेस मेंटेन करते हैं, प्रीवियस का एड्रेस और एक फॉरवर्ड का नेक्स्ट का एड्रेस, तो दोनों नोड का एड्रेस मिल जाता है, तो चौथे से पांचवे का भी एड्रेस मिल जाता है, तीसरे का भी मिल जाता। लेकिन अभी हमारी जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर हम फोर्थ एलिमेंट पे हैं तो हमको फिफ्थ का एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन फिफ्थ पे हैं तो फोर्थ का एड्रेस नहीं मिलेगा। और यहां पे आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आप किसी भी तरह से जो आपका अरेंजमेंट था उसे लास्ट एलिमेंट पे तो पहुंच जा रहे थे, उसके पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा ये नहीं पता चल रहा था। अच्छा, आपके पास तरीके हैं कि आप उससे जस्ट पहले एलिमेंट पे ही आके ये पता कर लो कि अगला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट है, लेकिन अभी हम सीधे तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका पर्पज भी ये है कि प्रोग्रामिंग में आप शॉर्टकट यूज ना करो, आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं उसको हम कैसे मैनिपुलेट करें, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम कैसे उनको मैनिपुलेट करें, न कि हर चीज के लिए हमारे पास फंक्शन हो, हर चीज के लिए स्टेटमेंट हो, क्योंकि हर चीज के लिए स्टेटमेंट आपको और फंक्शन आपको नहीं दिया जा सकता है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे आप अपने टास्क को कैसे अचीव करेंगे ये मेन चीज होता है। तो इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो दो चीज हमको चाहिए, एक किसी भी तरह से हमको ये पता चले कि लास्ट एलिमेंट क्या है, हम वहां पे पहुंचे, और दूसरा ये कि जब हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंचे उस समय हमारे पास उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस भी रहे। उसी के लिए हमने एक और वेरिएबल सेव लिया है, वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इनफैक्ट जो वेरिएबल्स मैं यूज कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा था तब इन्हीं वेरिएबल्स को हम लोगों ने यूज किया था, चलते आ रहे हैं, इसको यूज करने में कोई परेशानी नहीं है, तो बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे जो भी वेरिएबल यूज करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी आपने क्या लिखा, PTR इक्वल टू फर्स्ट, ये तो हमारा स्टेप होता ही है, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को एक वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया, दैट इज PTR। और फिर क्या लिखा, रिपीट व्हाइल लिंक PTR नॉट इक्वल, लास्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो उसमें भी यही चीज लिखा था, क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट पे पहुंचना था, वो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं कि हम लिंक PTR लिखते हैं, क्योंकि वो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर डाउट हो तो आप थोड़ा सा बैक जाके उसको देख सकते हो। तो रिपीट व्हाइल लिंक PTR इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, अब यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, दो स्टेटमेंट, सेव इक्वल टू PTR, तो PTR में अभी किसका एड्रेस है, पहले एलिमेंट का एड्रेस है, हमने यहां पे क्या लिखा, सेव इक्वल टू PTR, तो अभी क्या हो गया, सेव वेरिएबल और PTR वेरिएबल, दो वेरिएबल हमारे पास है, दोनों में किसका एड्रेस है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, और उसके बाद हमने क्या लिखा, PTR इक्वल टू लिंक PTR, तो PTR इक्वल टू लिंक PTR लिखे, तो PTR में किसका एड्रेस आ गया, सेकंड एलिमेंट का। तो लूप के सारे स्टेटमेंट खत्म हुए, उस समय चेंजेज क्या है कि PTR वेरिएबल, सेव वेरिएबल में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है और PTR में जस्ट उसके बाद वाला मतलब सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है, वापस गए, लिंक PTR अभी नल नहीं है, फिर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, सेव इक्वल टू PTR, और PTR इक्वल टू लिंक PTR से क्या होगा, ये PTR हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, ये सेव हो जाएगा और ये PTR हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, फिर इसके बाद से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा और ये PTR हो जाएगा, और जैसे ही ये PTR होगा, लिंक PTR की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, और लिंक PTR नल होते ही आप लूप से बाहर हो जाओगे, और आप देख रहे हो कि जिस समय आप लूप से बाहर हो रहे हो, आपके पास दो वेरिएबल है, PTR और सेव, PTR में किसका एड्रेस स्टोर है, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस, और सेव में किसका एड्रेस स्टोर है, दैट इज एड्रेस ऑफ सेकंड लास्ट एलिमेंट, जस्ट एक पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस आपके पास है, आपका काम हो गया। अब आपने क्या लिखा, लूप के बाहर लिंक सेव इज इक्वल टू नल, लिंक सेव अभी क्या है, ये PTR है, क्योंकि सेव में अगर इसका एड्रेस है तो इसके लिंक पार्ट में किसका एड्रेस, इसका क्या, वो PTR है, हमने क्या लिखा, लिंक सेव इज इक्वल टू नल, तो ये जो इसको रेफर कर रहा था, ये चेन ब्रेक हो गया, चेन का मतलब क्या है, यही पॉइंटर है कि यहां पे कौन सा एड्रेस लिखा था, ये एड्रेस लिखा था, उसकी जगह यहां हमने क्या लिख दिया, नल, और जैसे ही नल लिख दिया मतलब ये इससे डिटैच हो गया। अब जब इस लिस्ट को आप एक्सेस करोगे तो यही यहां खत्म हो जाएगा, ये अगले एलिमेंट का एड्रेस बताएगा ही नहीं, इसलिए ये एलिमेंट एक्सेसिबल यहां से नहीं रहेगा, और इसका लिंक एड्रेस नल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट। अब इसको क्या करना है, PTR को, उस नोड को जिसका एड्रेस PTR, उसको कहां जोड़ना है, इसके पहले। अब इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, अभी आपको क्या करना है, उस नोड को जिसका एड्रेस PTR, अब ये नल अभी पड़ा है, रहने दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस नोड को जिसका एड्रेस PTR में, उसको किसके पहले रखना है, फर्स्ट के पहले, या इसको उल्टा कहो तो क्या कहोगे, कि जिस नोड का एड्रेस PTR है उसके लिंक पार्ट में कौन सा एड्रेस होना चाहिए फर्स्ट, तभी तो इसके बाद आप इस पे पहुंचोगे, या ये कहो कि इसके पहले आप कौन सा है, ये, तो इसका मतलब ये जो नल लिखा है इसकी जगह ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, लिंक PTR इक्वल टू फर्स्ट, इसका मतलब लिंक PTR इक्वल टू फर्स्ट लिखे तो इसका लिंक एड्रेस जो है वो क्या हो गया, फर्स्ट, मतलब इसके बाद आप किस पे पहुंच रहे हो, इस पे, या आप ये कहो इसके पहले कौन सा नोड है, ये तो आपको चाहिए था, तो अब आपका काम खत्म हो गया। अब जब आप इस लिस्ट को देखोगे तो पहला नोड कौन है, आपको ये लग रहा हो, ये नहीं है, अभी भी पहला नोड यही है, क्यों है, क्योंकि फर्स्ट नोड कौन होता है, जिसका एड्रेस फर्स्ट वेरिएबल में होता है, और फर्स्ट वेरिएबल में किसका एड्रेस स्टोर है, इसका एड्रेस स्टोर है, जबकि ये अगर पहला नोड है तो फर्स्ट वेरिएबल में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका एड्रेस होना चाहिए, और इसका एड्रेस क्या है, PTR है, तो हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट इक्वल टू PTR, इसका मतलब फर्स्ट वेरिएबल में किसका एड्रेस आ जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा, मतलब ये लिंक भी ब्रेक हो जाएगा, और ये कहां जाके टूटेगा, इस पे टूटेगा, तो अब जब फर्स्ट को देखोगे तो PTR पे जाएगा, मतलब इस पे, यहां से आएगा इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, डन, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप लोग वर्कआउट करिएगा, अगर हो जाए तो करिएगा, लिख लीजिए प्रॉब्लम, राइट एल्गोरिथम टू कॉन्केटिनेट टू लिंक लिस्ट, राइट एल्गोरिथम
टू कॉन्केटिनेट टू लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट करने का मतलब क्या होता है, एक लिंक लिस्ट के पीछे दूसरे लिस्ट को जोड़ देना, ठीक है। जैसे दो ट्रेन अगर है, एक ट्रेन आती है और सपोज करो कि एक दूसरी ट्रेन यहां खड़ी हुई है और ये ट्रेन में इसके डब्बे भी जुड़ के आगे जाने हैं, तो इस ट्रेन का भी एक इंजन होगा, इस ट्रेन का भी इंजन होगा, इंजन यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट नोड हो गया। जब ये आएगा जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, या तो इसके लास्ट से इसका पहला जोड़ दो, या इसके लास्ट से इसका पहला जोड़ दो, या इसके बिगनिंग से, किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ोगे आप ऐसे ही जो सबसे आसान तरीका हो। तो आप इसको वर्कआउट करेंगे कि कैसे जोड़ा जा सकता है, फिर हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।